May I come in, sir? Yes, please. सर्वप्रथम आपको मुख्य परीक्षा पास करने पर बधाई। थैंक यू सर। कौन सा प्रयास है ये आपका? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। इससे पहले आप कहाँ कार्यरत हैं? सर मैं अभी SBI में कार्यरत हूँ, उससे पहले मैं एयरफोर्स में था। अच्छा, अभी मैं SBI में SK3 हूँ सर। SBI में SK3 मैनेजर हैं? जी सर। बहुत अच्छी बात है। और ऑनर्स पेपर क्या रहा आपका? सर मेरा ऑनर्स नहीं था सर, ये डिस्टेंस के थ्रू फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस था सर। अच्छा, के थ्रू फिजिक्स मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। और आपने ऑप्शनल चूज़ किया है फिलोसफी? यस सर। ऐसा क्यों, साइंस पढ़ने के पश्चात आप फिलोसफी की ओर उन्मुख हो गए? सर फिलोसफी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मैं कुछ नया सब्जेक्ट सीखना चाह रहा था, इन दोनों मामले में सर मुझे फिलोसफी काफ़ी अच्छा लगा सर। ये बताइए कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सबसे जो लास्ट डिग्री होती है वो PhD की होती है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। जैसे मैथ्स से भी पढ़ते हैं तो PhD, हिंदी से भी पढ़ते हैं तो PhD। फिलॉसफी ऐसा क्या है जो इसको एक डिग्री में स्थान दिया गया है? सर फिलॉसफी एक इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है सर, प्लस जो आज के डेट में जैसे जो साइंस है सर, फिलॉसफी इसका बर्थ माना जाता है सर। सिंस बिगनिंग फिलोसफर्स ने ह्यूमन के वेलफेयर के लिए काम किया है सर, तो ये एक मस्ट सब्जेक्ट है सर जिसे रखा जाना चाहिए सर यूनिवर्सिटी लेवल पर। अच्छा, नहीं मेरे कहने का मतलब है कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन मैथ्स, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन हिंदी, सो व्हाई सो फिलॉसफी, फिलॉसफी क्यों? उसमें तो फिलॉसफी का कोई काम नहीं है, जैसे मैथ्स है जैसे हिंदी है, तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी डिग्री का नाम क्यों है? सर मेरा यह मानना है सर कि जो हमारी लाइफ है वो विदाउट फिलॉसफी चल ही नहीं सकती सर, तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट है सर उसकी अपनी एक फिलॉसफी होती है सर। अच्छा, जहाँ वो चिंतन के स्तर पर पहुँच जाता है। यस सर। ठीक है, वर्तमान में जहां आप पदस्थापित हैं मैनेजर के रूप में, मुझे बताइए कि एक प्रबंधक के रूप में आप किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं, अपने जिस भी संस्थान के आप प्रबंधक हैं किन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखते हैं? यस सर, सर एक प्रबंधक के रूप में पहले मैं ये डिसिप्लिन ये इंश्योर करता हूँ कि मेरे स्टाफ टाइमली आएँ, जो हमारा ब्रांच का ऑफिस हो सर वो टाइमली खुले, कोई भी कस्टमर जो भी हमारे पास आए, जो भी लेट डाउन इंस्ट्रक्शंस है उसके हिसाब से मैं उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, और जो बैंक का टाइमिंग है सर उसे हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो टू मेंटेनिंग द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड एट द सेम टाइम इंश्योरिंग द ब्रांच स्टाफ वर्क प्रॉपरली, दिस टू थिंग्स आई कीप इन माइंड सर। ठीक है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि बैंकों में भीड़ कई बार नज़र आती है, कुछ लोग शिकायत लेकर के कि पासबुक प्रिंट नहीं हो रहा है, ATM में पैसे नहीं हैं, 50 तरह की चीज़ें रहती है, काफ़ी भीड़ रहती है, और शहर के ब्रांचेस का गांव के ब्रांचेस का आपने जो देखा होगा बड़ा, इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद पैसा जमा करने वाला मशीन, पैसा निकालने वाला मशीन, योनो ऐप, कुल मिलाकर के कहिए तो बैंकिंग का हस्तक्षेप मानव के जीवन बहुत ज़्यादा हो गया है। मुझे बताइए कि क्राउड कंट्रोल के लिए आप क्या करें? जी सर, सर जैसा आपने बताया सर कि बैंक में भीड़ है सर, मैं इस चीज़ को मानता हूँ सर, बट अभी जो पासबुक प्रिंटिंग है सर वो हमने CSP को भी दिया है सर, जो कस्टमर सर्विस पॉइंट है जो गांव में दूर दूर के गांव में ओपन है सर वहाँ पे भी पासबुक प्रिंटिंग होता है सर। इसके अलावा बैंक के हर एक ब्रांच के बाहर हमने पासबुक प्रिंटिंग की फैसिलिटी लगाई है सर। क्राउड मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जिस पर्पज से क्राउड आए उनका काम हम सुनिश्चित करें, तो जो भी सर जो रेगुलर वर्क के लिए आ रहे हैं हम उनका टाइम फिक्स कर सकते हैं सर अगर बहुत ज़्यादा क्राउड हो, और हम अपने हायर अथॉरिटी को लिख कर सफिशियंट स्टाफ भी मंगा सकते हैं सर ताकि किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। आप पहले एयरफोर्स में भी रह चुके हैं? यस सर। एयरफोर्स में कब से कब तक रहे आप? सर मैं 28 मार्च 2006 से 3 जनवरी 2017 तक एयरफोर्स में था सर। तो ये आप वहाँ से रिटायर किए थे या छोड़ दिए थे? सर मैंने वॉलंटरली रिटायरमेंट लिया है सर, उसके अंदर पॉलिसी है कि आफ्टर 7 ईयर्स अगर कोई ग्रुप में पोस्ट हो तो उसके लिए हम लोग छोड़ सकते हैं सर, तो मैंने प्रॉपर परमिशन लेकर SBI PO के लिए अप्लाई किया था, फिर जब मैं क्वालिफाई किया सर तो मैंने एयरफोर्स छोड़ा सर। अच्छा, एयरफोर्स जब आप छोड़े उस समय किस पोस्ट पे थे वहाँ? सर मैं वहाँ पे कॉर्पोरल था सर। कॉर्पोरल एयरमैन था सर, वहाँ पे रैंक कॉर्पोरल था सर। अच्छा, तो वहाँ से पेंशन मिलती है आपको कि नहीं? सर पहले नियम के अनुसार नहीं मिलती थी सर, बस यस अभी मिलती है सर। अभी ये जो पेंशन मिलती है? जी सर। पे प्रोटेक्शन भी आपको मिला होगा? सर ऑफिसर्स में पे प्रोटेक्शन नहीं है सर, तो इसलिए मुझे बैंक में पे प्रोटेक्शन नहीं मिला है सर। अच्छा, SBI में ऑफिसर के लिए है जो पे प्रोटेक्शन नहीं है? नहीं जी सर। अच्छा,
आप बैंक में, अभी सरकार ने MCLR बढ़ा दिया। यस सर। MCLR होता क्या? सर सरकार ने रेपो रेट बढ़ाया सर, उसके यस सर RBI ने रेपो रेट बढ़ाया सर, उसके आधार पे बैंक MCLR बढ़ा दिया सर। ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स होता है सर, जो हम बैंक जो हम कस्टमर्स को जो लोन देते हैं सर, उसका एक बेंचमार्क रेट MCLR होता है सर, तो इससे कस्टमर्स को लोन महंगा मिलेगा सर। अच्छा, इसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट हाल ही में किस किस बैंक ने दिया है MCLR का? सर अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था HDFC ने दिया है सर, और सॉरी सर बाकी बैंक्स का मैं रिकॉल नहीं कर पाऊँगा। MCLR कितना परसेंट से बढ़ाया गया? सर रेपो रेट 0.40% से बढ़ाया गया सर, MCLR हर एक बैंक अपने हिसाब से बढ़ाती है सर। ये वो मैंने पेपर में देख रहा था इकोनॉमिक टाइम्स में कि MCLR हैज बीन इंक्रीज बाय 0.8%, व्हाट वाज दैट? सर इट आई एम नॉट श्योर सर, इट मे बी रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर बैंक हु हैज इंक्रीज द MCLR बाय 0.8% सर। ओके, रिसेंटली यू हैव हर्ड अबाउट द LIC IPO? यस सर। दैट वाज आल्सो प्रमोटेड बाय SBI। SBI नेट बैंकिंग आप खोलते होंगे, चाहे आप देखते होंगे तो LIC के लिए। तो LIC का IPO कितना का था, कितना हजार करोड़ का सरकार ने है जो उसमें डाइवेस्ट है जो करने के लिए किया है? सॉरी सर मैं सुन नहीं सकता। कितना परसेंट है जो डाइवेस्ट करने के लिए सोचा है सरकार ने? सर सॉरी सर मैं सुन नहीं, बट ये मुझे 20%। ओ नो सॉरी सर, 20% इज ह्यूज। आई थिंक 3.5%, अर्लियर इट वाज 6%, नाउ गवर्नमेंट हैज रिडक्टेड। अच्छा ये बताइए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में अंतर क्या? जी सर, सर रेपो रेट में सर बैंक RBI से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है सर सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर, और रिवर्स रेपो में क्या होता है सर, RBI बैंक से पैसे लेती है सर, ये डिफरेंस है सर। हाल ही में इतना ज़्यादा जो महंगाई हो रहा है उसका क्या रीजन, और बताइए? सर अभी फिलहाल जो महंगाई का मुझे रीजन लग रहा है सर, लास्ट करीब 2 सालों से RBI ने रेपो रेट में इंक्रीज नहीं किया था सर। इसके अलावा रशिया यूक्रेन विवाद है सर, प्लस COVID-19 फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सर। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सॉरी सर मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं सर, मैं पढ़ लूँगा सर। अच्छा, और आप जो बताएं कि आप यू वांट टू बिकम डिप्टी SP? यस सर। DSP, तो आप डिप्टी SP क्यों बनना चाहते हैं? देर आर सर्टेन अदर वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर यू, डिप्टी कलेक्टर है एंड अदर RDO है, तो डिप्टी SP क्यों? सर चूंकि मैं एयरफोर्स में था तो मेरा यूनिफॉर्म से प्यार है सर, और जो मेरा करेक्टर है सर, जैसे मैं डिसिप्लिन हूँ सर, मेरे अंदर प्रिजर्वेंस है, तो मुझे लगता है सर ये क्वालिटी DSP के लिए भी होना चाहिए। प्लस DSP एक ऐसा पोस्ट है सर जिसके थ्रू हम पब्लिक के सारे मतलब जो भी हमारे पास कंप्लेन लेकर आते हैं सर, उसको हम क्विकली रिजॉल्व कर सकते हैं, तो ये सब कुछ फैक्टर्स है सर जिसके लिए मैंने DSP को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है सर। अच्छा, दो आप DSP बन गए, दो आदमी आपके पास आते हैं? यस सर। ठीक है, और एक बोलते हैं कि इन्होंने जो मेरे घर पर कब्जा कर रखा। यस सर। ठीक है, और दूसरा आदमी है जो ये बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, आप ऐसा स्थिति में क्या कीजिएगा? सर पहले मैं दोनों को बोलूँगा सर एप्लीकेशन देने के लिए, उसके बाद मैं FIR लॉन्च करूँगा सर, उसके बाद मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम जो वहाँ पर होगी सर, उसे मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजूँगा, देन उसके बाद जो फैक्ट्स आएंगे सर, बेस्ड ऑन लॉ एंड ऑर्डर मैं डिसीजन लूँगा सर। व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट क्या है? सॉरी सर मैं अभी एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आप SCL3 बैंक ऑफिसर हैं, फिर इतने अच्छे पोस्ट को छोड़ के इधर क्यों आना चाहते हैं? सर मेरा बचपन से ही चाह था कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूँ, और ये मेरा पैशन भी है सर। 2014 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तो उस समय SBI PO का जब पोस्ट आया था सर, तो मैंने अप्लाई किया, लेकिन जो मेरे बचपन की चाहत है सर, वो हमेशा मेरे आगे आती रही सर, इसी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ सर। आपका क्या एफर्ट रहेगा आज के प्रशासन में, आप क्या समस्याएं देखते हैं और आप
आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी उन समस्याओं से निपटने के लिए? यस सर, सर अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आया है सर, जिसमें बिहार में ये दिखाया गया है कि जेल के अंदर ही सबसे ज़्यादा मौतों में सेकेंड रैंक बिहार का है। अच्छा। तो मेरा यह मानना है सर कि पब्लिक के बीच हमारा फेथ कम है सर, प्लस मैं इसमें आईटी टेक्नोलॉजी का यूज करके कोशिश करूँगा थ्रू EFIR या बेटर कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू कोई भी कस्टमर अपने FIR को फाइल कर सके, प्लस जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होगी अगर मैं किसी और पोस्ट पे होऊंगा सर तो मैं ये इंश्योर करूंगा कि उनका 100% क्रियान्वयन सही तरीके से और कंसर्न बेनिफिशरी को हो, तो ये सब फैक्टर्स पे मैं ध्यान दूंगा सर। बिहार में पुलिस रिफॉर्म हुई है जिसमें पुलिस को आधुनिक इक्विपमेंट से लेकर के जितना जैसे आपने कहा EFIR, तो EFIR भी का इनिशिएटिव शुरू हो गया है। तो इतने सारे इनिशिएटिव लेने के बावजूद भी जो है सरकार का जो प्रयास है पीपल फ्रेंडली पुलिस को बनाना वो नहीं हो पा रहा है, वो कैसे, इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? जी सर, सर इसके पीछे मेरा यह मानना है सर कि एक बिल्कुल सही दिशा में कदम है और इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है सर, लेकिन अभी हमें और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है सर। इसके लिए हमें स्टाफ्स को एजुकेट करना पड़ेगा सर, पब्लिक और हमारे बीच की जो दूरी है सर उसे थ्रू डिजिटल मीडिया कम करना पड़ेगा सर, प्लस पब्लिक को भी उनके राइट्स को बताना पड़ेगा कि ये आपका राइट्स है, अगर कहीं भी किसी थाने में कुछ प्रॉब्लम होता है या कोई भी कंसर्न अधिकारी से कोई प्रॉब्लम होता है तो वो यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, तो एक कंप्लेन रिडेशन मैकेनिज्म सही तरीके से लगाना है सर। गवर्नमेंट का प्रयास है कि थानों में जो है इन्वेस्टिगेशन विंग और लॉ एंड ऑर्डर दोनों अलग अलग काम, तो इससे क्या लगता है कि आपको अच्छा पुलिसिंग लोगों को मिल पाएगा? जो इन्वेस्टिगेट करती है जो जांच अधिकारी और जो लॉ एंड ऑर्डर में लगे रहते हैं, अभी मोस्ट ऑफ द पर्सन वही रहते हैं दोनों जगहों पर, इन्वेस्टिगेशन में भी और लॉ एंड ऑर्डर में, तो यदि ये दोनों सेपरेट हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर के अलग ऑफिसर्स रहें, इन्वेस्टिगेशन के अलग ऑफिसर्स रहें, तो क्या लगता है कि आपको लोगों को अच्छा पुलिसिंग मिल पाएगा इससे? सर जहाँ तक मेरा ख्याल है सर कि हम सारे लोगों को अलग करने की बजाय जो विशेषज्ञ हैं उनको उस पार्टिकुलर टीम का हेड बना सकते हैं सर, जैसे लॉ एंड ऑर्डर का जो विशेषज्ञ हो उसको लॉ एंड ऑर्डर का हेड बना सकते हैं सर, और जो इन्वेस्टिगेशन का विशेषज्ञ हो उसे उसका हेड बना सकते हैं। कैसे तय होगा कि कौन लॉ एंड ऑर्डर समझ रहा है या कौन इन्वेस्टिगेशन का अच्छा ही होगा, ये आप कैसे तय करेंगे? यस सर, सर इसके लिए हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ले सकते हैं सर, या हम इंटरनल एग्जाम कंडक्ट करके भी ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं सर। अभी साइबर फ्रॉड ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बैंकिंग सिस्टम में भी देखा जा रहा है कि इतने प्रोटेक्शन के बावजूद भी लोग साइबर फ्रॉड के शिकार हो जा रहे हैं, तो एज ए DSP आप यदि अपने क्षेत्र में जो है लोग साइबर फ्रॉड के शिकार ना हों तो इसके संदर्भ में आपका क्या इनिशिएटिव रहेगा? जी सर, सर साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सबसे पहले हमें पब्लिक को नॉलेज देना पड़ेगा सर कि कहीं भी वो OTP वगैरह शेयर ना करें सर, दूसरा हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि हम क्विकली रिडेशन कर पाएंगे, कोई पब्लिक ने कंप्लेन किया सर रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी तो हम उसका क्विकली सॉल्यूशन दे सकें, पर चूंकि साइबर सिक्योरिटी एक चैलेंज के रूप में उभर रहा है सर तो हमें एक इसके लिए ऑलरेडी एक विशेष दल है सर, बट उसमें हमें और भी एक्सपर्ट को रखने की ज़रूरत है सर। ओके, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 124A पे पूर्ण रूप से उसको कार्यान्वयन से बाहर कर दिया, तो ऐसा किस लिए किया गया, ऐसा उनका जो इनिशिएटिव है किस लिए किया गया, कुछ इस पे है? जी सर, सर जो सेक्शन 124A था ये अंग्रेजों के समय लाया गया था सर भारतीयों का दमन करने के लिए, तो चूंकि अब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है सर और वर्ल्ड के किसी और भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये रूल नहीं है, और ऑलरेडी हमारे पास वेरियस अदर मीजर्स हैं सर जिसके थ्रू हम राजद्रोह को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं सर जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोका है सर। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने रोका है या केंद्र सरकार के आग्रह पे सुप्रीम कोर्ट का ऐसा इनिशिएटिव? सर सॉरी सर, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं सर। अच्छा, सपोज कीजिए कि आप DSP नहीं बन करके आप डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, तो एक ब्लॉक स्तर या मंडल स्तर पे लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है
तो आपको क्या लगता है किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को अपने जो सामान्य काम होते हैं उनको करने में? जी सर, जैसे अगर ब्लॉक लेवल पे कोई स्टूडेंट को हम देखें तो उनको OBC सर्टिफिकेट बनाना होता है सर, वहाँ पर उनको प्रॉब्लम होता है सर। जो बुजुर्ग हैं उनके पेंशन रिलेटेड इशूज होते हैं सर, जो फार्मर्स हैं उनके लोन रिलेटेड इशूज होते हैं सर। अस्पताल का जो मेंटेनेंस है ये भी एक DMSDM के अंदर आता है सर, वहाँ पे किस तरह से क्रियाओं का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं ये सब भी उनको इंश्योर करना पड़ता है सर। तो ये काफ़ी डाइवर्स फील्ड है और हर एक जगह, चाहे वो शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, हर एक जगह इनका इन्वॉल्वमेंट है सर। बिहार में जो है पर्यटन हाल के दिनों में जो है ऐसा माना जा रहा है कि बहुत ही तेज गति से विकास कर रहा है, तो और यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यहाँ की जो पर्यटन स्थल है और ज़्यादा चर्चा में आए दुनिया के स्तर पर, तो आपके हिसाब से और क्या सुझाव देना चाहेंगे कि यहाँ का पर्यटन स्थल जो है दुनिया में जाना जाए और बाहर से और लोग आ ही रहे हैं और भी लोग यहाँ के प्रति आकर्षित हों? जी सर, सर जैसे आपने बताया सर, यहाँ पे पर्यटन में काफ़ी काम हो रहा है सर। जैसे हमने काफ़ी सारे रोपवे डेवलप किए हैं सर, हिल्स को अच्छा बनाने का काम किया सर, ताकि वो पर्यटन की दृष्टि से अच्छा हो। जगहों का नाम भी बताइए। जी सर, जैसे राजगीर में हुआ है सर। अच्छा, इसके अलावा मंदार रोपवे बांका में हुआ है सर, प्लस हम लोग कैमूर में डेवलप कर रहे हैं सर पर्यटन स्थल। अभी अगर हम इनको बेटर कर सकते हैं सर तो ये थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ताकि जो भी पर्यटन यात्री आए उनको वहाँ पर पहुँचने में दिक्कत ना हो। राजस्थान ने अभी फिलहाल में एक कानून लाया है सर जो पर्यटन के लिए है, कि अगर वहाँ का कोई लोकल अगर उन्हें परेशान करता है तो वो नन बिलेबल ऑफेंस होगा। तो हम एक उस तरह का कोई कानून ला सकते हैं सर। प्लस किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी होता है सर, तो हम बिहार टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का यूज कर सकते हैं सर। प्लस किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा चीज़ बहुत अच्छा है, इसको हम इंडिया लेवल पर जो पोर्टल है सर, हम वहाँ पे इस चीज़ को दिखा सकते हैं सर। जंगल सफारी क्या है ये पर्यटन के क्षेत्र में? जंगल सफारी सरकार इसके संदर्भ में बहुत सारा काम कर रही है। यस सर, क्या है और लोग कैसे आकर्षित हो सकते हैं इसके लिए? सर, जंगल सफारी बेसिकली जो हम लोग जंगल का जो व्यू लेते हैं सर, उसके उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का है वो उससे रिलेटेड है सर। कहाँ कहाँ पर बिहार में शुरू किया गया? सर ये मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा सर, बट ये राजगीर और कैमूर में। वाल्मीकि नगर। जी सर, चंपा वेस्ट चंपा वेस्ट। थैंक यू सर। अभी श्रीलंका में जो आर्थिक संकट है उसके पीछे क्या कारण है? जो सरकार अभी व्यवस्थित हो रही है, सरकार अस्थिर हो रही है, हाल में वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ एजिटेशन हुआ, उनको पद छोड़ना पड़ा, एक सांसद की भी जान गई, तो इतना बुरा स्थिति में आने के पीछे क्या कारण है? सर, श्रीलंका के पीछे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं सर जिसके कारण वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आया है सर। जैसे वहाँ पर पर्यटन का मेन GDP में रोल था सर। 2019 में वहाँ पर एक ईस्टर बॉम्ब अटैक हुआ सर, उसके बाद पर्यटनों की संख्या कम हुई है। प्लस कोविड के कारण उनके जो वर्कर्स जो बाहर काम कर रहे थे सर, उन्होंने अपने देश में उनकी नौकरी वहाँ पर जाने के कारण सर, अपने देश में उन्होंने रेमिटेंस भेजना उनका बंद हो गया सर। प्लस जो वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को कंपलसरी कर दिया गया सर गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसकी वजह से वहाँ पर फार्मिंग का जो प्रोडक्ट्स है सर वो कम हो गया था। प्लस चाइना से इन्होंने काफ़ी लोन लेकर रखा था सर, जिसके कारण वो रिपे नहीं करने के कारण उन्हें अपना हम्बल टोटा पोर्ट भी देना पड़ा था सर। तो ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स थे सर जो उनके इकोनॉमिक क्राइसिस को के लिए रिस्पॉन्सिबल थे सर। ओके, अभी ज्ञान वापी मस्जिद चर्चा में है। यस सर, तो आप बताएंगे कि वो क्यों चर्चा में है? अभी उसके सर्वे चल रहा है वहाँ पर। जी सर, और वो क्यों अभी आवश्यक है और वो क्यों अभी चर्चा में है, दोनों चीज़ को? यस सर, सर वो मस्जिद वाराणसी में है सर, वहाँ पे हिंदू ने क्लेम किया है कि ये उनसे रिलेटेड ये जगह है, और मुस्लिम्स का तो ये कहना है सर कि ये उनसे रिलेटेड है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा है सर। अभी सर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार किया है। यस सर, और हाईकोर्ट के दिशा निर्देश में वहाँ का भी सर्वे चल रहा है। यस सर, चार घंटे का सर्वे। यस सर, कल हुआ था और मंगलवार को शायद।
यस सर, आज के न्यूज़पेपर में भी आया था सर कि वहाँ पर खुदाई की जा रही है सर। आज के वर्तमान समय में सर देखा जा रहा है कि सरकार जो है जो भी विशिष्ट धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मथुरा हो, काशी हो या आगरा हो, तो हर जगह पे जो है कुछ पक्ष ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इस तरह का सर्वे हो। तो ऐसा आज के समय में क्यों आ रहा है, जब हम लोग इतने समय से आज़ाद हुए, करीब 72 साल हो चुके हैं, तो आज के समय में इस तरह की बातें क्यों आ रही है कि सर्वे होना चाहिए, पहले क्यों नहीं हुआ? सर मेरा यह मानना है सर कि ये इंडिया की विशेषता ही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हालांकि डाइवर्सिटी है सर, बट हम लोग इसमें एक हैं सर। दूसरा मेरा यह मानना है सर कि कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो किसी भी चीज़ को सांप्रदायिक रूप देने का काम कर रहे हैं सर, तो हमें उन तत्वों को रोकना पड़ेगा सर। और आपको नहीं लगता है कि इस तरह का सर्वे आज के समय में बेमानी बात है, क्योंकि इतने समय से जो विचारधारा एक समन्वित संस्कृति जैसा कि आपने बताया चली आ रही है, इसको कंटिन्यू रहने देना चाहिए और इस तरह का सर्वे कोई खास महत्व नहीं रखता? नहीं सर, चूंकि हमारा संविधान सर हमें अपने धर्म को मानने की अनुमति देता है सर, तो कोई भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है सर, बट ये हमारे देश के इंटीग्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर और देश के प्रोग्रेस के आगे नहीं आना चाहिए सर। अभी हाल ही में एक चर्चित कलाकार, बहुत ही चर्चित कलाकार की मृत्यु हो गई है, पद्म विभूषण से सम्मानित थे, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? दो तीन दिन पहले की बात। सर मैं श्योर नहीं हूँ सर, वो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संतूर वादक थे। यस सर, शिव कुमार सर। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बोर्ड आपके व्यवहार, आपके नॉलेज से काफ़ी संतुष्ट है और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कुछ प्रश्न मेरे मन में पनप रहा है, मुझे लगता है कि आपसे मैं अपनी जिज्ञासा का समाधान कर दूँ। एक चेस हम लोग जब खेलते थे, आपने हॉबी चेस लिखा है, चेस जब हम लोग खेलते थे तो एक वर्ड आता था काशल, ये कैशल या काशल क्या है और क्यों करते हैं इसे? सर चूँकि जो हमारा किंग होता है सर वो मिडिल में होता है, तो चेस में दो तरह से कैसल किया जाता है सर, एक शॉर्ट कैसल, एक लॉन्ग कैसल। लॉन्ग कैसल क्वीन साइड होता है सर और शॉर्ट कैसल किंग साइड होता है सर। सुन नहीं सका, फिर से कहेंगे आप? यस सर। शॉर्ट कैसल और लॉन्ग कैसल? यस सर। सर दो तरह से हम लोग कैसल कर सकते हैं सर चेस में, एक शॉर्ट कैसल होता है सर, एक लॉन्ग कैसल होता है। लॉन्ग कैसल क्वीन साइड में होता है सर, शॉर्ट कैसल किंग साइड में होता है सर। इससे क्या होता है सर, जो किंग बीच में होता है उसे हम किसी एक कोने में लेके चले जाते हैं सर, इसकी वजह से किंग की सेफ्टी रहती है सर और हम गेम में आगे खेलते हैं सर। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये बताइए, फिलॉसफी पढ़ा है आपने, फिलॉसफी में एक वर्ड आता है जैसा आपके सिलेबस में भी है, मोक्ष। ये मोक्ष को एक लाइन में डिफाइन कीजिए कि यह क्या है, एक या दो पंक्तियों में। सर मोक्ष हमें जीवन मरण की जो चक्र है उससे जो मुक्ति हो जाती है वही मोक्ष है सर। ऐसा क्यों कहता है? पुरुषार्थ के चार अंग माने गए, कौन कौन से? सर काम, अर्थ, मोक्ष, चौथा मेरे को नहीं पता। धर्म और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये बताइए कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दोनों पढ़ना है आप लोगों को, क्या बेसिक डिफरेंस है भारतीय धर्म दर्शन में और पाश्चात्य दर्शन में, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या बेसिक डिफरेंस पाते हैं आप? जो इंडियन दर्शन है सर वो बेसिकली दर्शन का यहाँ पर मतलब है सर व्यू, तो हम लोग खुद को जो भगवान के साथ हमारा रिलेशन है सर उसको हम लोग मेनली भारतीय दर्शन के अंदर देखते हैं सर। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में जैसे अगर प्लेटो का हम देखें सर, तो उन्होंने आइडिया का बात किया है सर, फिर लेटर जो फिलोसफर डेवलप हुए हैं सर उन्होंने आइडियलिज्म और एम्पिरिसिज्म इनके बेसिस पे उनका डेवलपमेंट हुआ है सर, उसके बाद इवन लिंग्विस्टिक बेस्ड फिलोसफर आए हैं सर, तो ये बेसिक डिफरेंस मैं मानता हूँ सर। अच्छा, ये बताइए कि बौद्ध और जैन दर्शन हैं, इसके अतिरिक्त भारतीय षड दर्शन हैं, कौन से षड दर्शन? सर दर्शन का नाम बताइए। जी सर, सर सांख, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, बहुत अच्छा। हम आपके प्रदर्शन से काफ़ी संतुष्ट हैं, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। चले आइए वापस।
आपने लगभग सभी प्रश्नों के बहुत कंटेंटफुल आंसर दिए। पहले आप हाथ ना बहुत स्ट्रिक्ट पोजीशन में आप रखे हैं, देखिए अगर हैंड रेस्ट ना भी हो ना तो आप हाथ को क्रॉस्ड हैंड रख सकते हैं, ठीक है, ये भी एक जैसे पत्रकार लोग रखते हैं जैसे आप रखे हैं, यदि आप कंफर्ट हैं तो कंफर्ट में है, और थोड़ा सा आई को जैसे आपका ये चीज़ है कि आप स्टैटिक हो जाते हैं, थोड़ा सा हल्का भी रोटेट करना है, कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा सा जैसे है कि थोड़ा सा जो और भी मेम्बर्स हैं तो एक आध बार तो रोटेट कर लेने से थोड़ा अच्छा रहेगा। आप कैसे बैठे हैं, मैं आपके पैर नहीं देख पा रहा हूँ, क्रॉस लेग्ड हैं या फिर ठीक है सीधा पैर रखा है, ठीक है, तो आप हाथ को मूव भी कर सकते हैं, आप पूरे समय ऐसे रखे हैं ये कंफर्टेबल हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। और जितना जवाब दिया आपने वो मुझे ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि आपने एक जगह कहा कि हिंदू हिंदू पक्ष बोलना चाहिए, जैसे 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 डायरेक्ट हिंदू या मुस्लिम बोलना जो है एक पक्ष, दूसरा पक्ष जैसे है कि उनका मानना है कि उनके जो ऐतिहासिक तथ्य हैं या धरोहर हैं वहाँ पे उसके साक्ष्य हैं, जिससे उनकी मान्यता है कि वो वहाँ पे पूजा या अन्य धार्मिक गतिविधि करने का उनको अधिकार वहाँ पे मिलना चाहिए, और दूसरे पक्ष का मानना है कि इस तरह का गतिविधि नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो उनके धार्मिक स्थिति को दर्शाता है, तो इसीलिए दोनों की स्थितियाँ जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से जो है स्पष्ट हो जाएगी और इस पर कोर्ट जो है अपना वर्डिक्ट देने में सफल होगा। यस, इस प्रश्न का इसीलिए जो है सर्वे इस प्रश्न का थोड़ा उत्तर आपको हो सकता है, और ये जो सवाल उठ रहे हैं हर जगह पे तो वहाँ भी इसी तरह का मानना है कि तत्कालीन समय में जो है जो शासक रहे होंगे उस समय जो धार्मिक मान्यताएं होंगी उसके ऊपर उन्होंने अपने धार्मिक मान्यताओं को रखा होगा या अपना अपने अनुसार उसको परिवर्तित किया होगा। वर्तमान समय में अब ये उस पक्ष के लोग चाह रहे हैं कि उनकी जो परंपरा पुरानी रही है उसकी मान्यता को बहाल किया जाए वहाँ पे धार्मिक पूजा अर्चना आदि के लिए, तो इस पर कोर्ट अपना निर्णय ले सकती है उनके याचिका के, ठीक है, इसमें किसी का नाम लेने का जरूरत नहीं, इसको ढकते हुए अपना बात रखें। और अतीत की वास्तविकताएँ कितनी भी क्रूर हो, अतीत की वास्तविकताएँ कितनी भी क्रूर हो, देर सवेर समय रहते हम उनसे सबक लेते हैं, जैसे हमारे इतिहास से प्रारंभ करते हैं जो भी काफ़ी विवाद भी हो लेकिन आर्य आक्रमण सिद्धांत को पढ़ाते हैं आप कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश आर्यों ने किया, एक लंबे समय तक आपने पढ़ा है, बाद में यह थ्योरी आई कि नहीं यह एक औपनिवेशिक षड्यंत्र था आर्यों को आक्रमणकारी सिद्ध करने का, तो आप ये कह सकते हैं कि यदि अतीत में कितनी भी क्रूर वास्तविकताएँ रही हो तो उसके तह तक जाकर उसका अध्ययन करना चाहिए, नई पीढ़ी को उससे शिक्षा लेनी चाहिए। जापान के ऊपर भी परमाणु बम गिराया गया, जापान के लोग इतिहास को पढ़ते हैं, तो इतिहास कितना भी क्रूर रहा हो वह एक शिक्षाप्रद रूप में नई पीढ़ी के पास आए और यह विद्वेष का कारण न हो। हमारी मैच्योरिटी इसी चीज़ में है कि अतीत में यदि कुछ गलतियां हुई है तो उसको एक्सकवेशंस के थ्रू अध्ययन के थ्रू एक खुले मस्तिष्क से हम उसे स्वीकार करें, क्योंकि अगर हम चीज़ों को मिट्टी डाल करके दफनाते चलेंगे तो उसे खोदने वीडियोग्राफी की हट या जीत आएगी, ठीक है, वो मध्यकाल था, आज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उस समय की सरकार की कोई लिमिटेशंस उतनी नहीं थी, सैनिक तंत्र था, आज ऐसा नहीं है, आज हम एक धर्म निरपेक्ष गणराज्य हैं और हमारे अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर कई लोग भारत से बाहर काम करते हैं, कई बार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से हम बंधे हुए हैं, सबसे बड़ी बात है कि एक समान लोगों का कानून का संरक्षण जो हम कहते हैं वो केवल समान लोगों को ही नहीं है, सभी धर्मों को भी एक समान कानून संरक्षण प्राप्त है, तो किसी के साथ जाति न हो और मिल बैठ कर वार्ता के द्वारा या फिर न्यायिक हस्तक्षेप से मुद्दों को समय रहते सुलझा दिया जाए, ठीक है, हाँ, इसमें जितनी मैच्योरिटी हम दिखाएंगे, क्योंकि अतीत की क्रूर वास्तविकताओं को हमें स्वीकार करना ही पड़ता है ना, और उससे शिक्षा लेनी ही होती है, ये चीज़ है। और बाकी सब चीज़ आपने जो भी जवाब दिया वो स्टैटिक था, वो थोड़ा सा रेड स्टैटिक है, आप इधर बोर्ड को भी देख सकते हैं, और लास्ट में भी आप थैंक यू सर, अगर लेडी मेम्बर भी होंगे जहाँ तक मुझे ये है, हम लोग तो मैंने एक हमारे यहाँ भी लेडी मेम्बर रहती हैं बोर्ड में, लेकिन आज ऐसा है कि तो आप वो सारे लोगों को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हुए करेंगे। और आपने वो धर्म अर्थ काम मोक्ष में जवाब दिया, जो भी तथ्यात्मक त्रुटि है विचारधारात्मक कोई त्रुटि आपसे प्रकाश में हमारे नहीं आया, बहुत बढ़िया रहा आपका इंटरव्यू, कोई दिक्कत नहीं, खाली चूँकि आप बैंक में हैं तो बेसिक बैंकिंग टर्म है ना सारा एक बार देख लीजिए वैसे, और चूँकि
LIC का IPO आया था, तो हो सकता है ये लोग भी लगाता हो, इन्वेस्टमेंट करता हो, तो हमको लगता है वन ऑफ द मर्चेंट बैंकर वॉज ऑल्सो SBI आई थिंक, इस तरह से प्रमोट कर रहा था, दो तीन बैंक रखे थे, संडे को हम लोग ब्रांच भी खोले थे सर, खोले थे ना। तो ये सब है जो बेसिक टर्म है जो देख लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी काफ़ी कुछ चल रहा है, तो ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, जो भी ये जो बेसिक टर्म है वो सिर्फ है जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप देख लीजिए, वो आपको एज देगा। ये तो एक तो आपको पढ़ना ही आसान होगा, बहुत जल्दी जल्दी आप जो समझ पाइएगा और वो आपका स्ट्रेंथ और मजबूत कर देगा, कॉन्फिडेंस देगा। जब तक बोर्ड ना उतरे इंग्लिश पे बोलने में आप मत उतर, बोर्ड अगर हिंदी बोल रहा है तो इंग्लिश शब्दों के प्रयोग के साथ आप हिंदी में ही उत्तर दीजिए। यदि बोर्ड का कोई मेंबर इंग्लिश में प्रश्न करते हैं तो यथासंभव जहाँ तक आप कंफर्टेबल हैं तब आप इंग्लिश में जवाब दीजिए। आई नोटिस दैट यू स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश इवन इफ आई वाज आस्किंग क्वेश्चन इन हिंदी, सर दैट इज नॉट गिविंग अ गुड जेस्चर बाय द साइड ऑफ द कंट्री, तो वो एक चीज़ थोड़ा सा ठीक करना, ठीक है ना। लैंग्वेज में ये नहीं होना चाहिए, मैं हिंदी बोल रहा हूँ फिर आप इंग्लिश पर जंप मत कीजिए, टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। एक मेरा सलाह है आपसे, एक तो फिलॉसफी से आपने सब्जेक्ट रखा है, हमने आपका साइंस से कोई सवाल नहीं पूछा, अगली बार हमें मौका मिलेगा तो हम आपसे आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से भी पूछेंगे, पर्याप्त प्रश्न आपसे पूछा गया। मेरा आपको सलाह है एक बार फिलॉसफी का सिलेबस देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट देख जाइएगा, इसमें धर्मनिरपेक्षता भी है, सिख दर्शन भी है, वो देख लीजिएगा आप उसको, और एक कंक्लूसिव एंड पे पहुंचिएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आप एक कंक्लूसिव कि मेरा ये पक्ष जो है वो संविधान के खांचे में सही बैठता है। लास्ट लाइन मेरा जो मेरे तरफ से है, जो सर लोग भी सपोर्ट करेंगे, बिहार के 38 जिले और विशेष रूप से सीमाई क्षेत्र के जो जिले हैं उनको अच्छा से अध्ययन कर लीजिए कि वहाँ कौन कौन ODOP में कौन कौन सा प्रोड्यूस वहाँ पर लाया जा सकता है, तो लोगों को बिहार के समस्त 3800 जिलों का इंटरनेट से, सीनियर से या जो उस जिले में रहते हों वहाँ से अध्ययन कर लीजिए सर आपके लिए। थैंक यू। एग्जाम कब है आपका? 26 सर, काफ़ी समय है, देखिए जी सर, ठीक है आपका ओवरऑल बेस्ट, एकदम इसी टेम्पो को मेंटेन रखिएगा, एकदम जैसा आप हैं। ये हैंड जेस्चर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दैट हैंड इज रेस्टिंग ऑन योर बॉडी, और उसमें काफ़ी टाइट था सर। यस यस, एयरफोर्स वाला डिसिप्लिन। हाँ नहीं ठीक है, एकदम योर इन्फॉर्मेशन, योर एक्सप्रेशन, एवरीथिंग इज, मैं देखता हूँ कि मेरे चेहरे में मुस्कान नहीं आता सर। ठीक है, हाँ ये भी है थोड़ा सा मतलब तमाम से सभी मुस्कान का जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसा भी है बात बात पे कभी हो गया तो ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सर।